हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड प्रवक्ता के यहाँ पे फॉर्म फिर से यहाँ पे आने वाले हैं और इनमें 200 पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और उसकी विज्ञप्ति भी जो है ये बहुत जल्द जारी होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज का मेरे पास अमर उजाला है, आप यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं। तो ये आज का अमर उजाला है और आप यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आया हुआ है यहाँ पर कि समूह ग के 151 और प्रवक्ता के 200 पदों पर होगी भर्ती। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पर समूह ग के 151 और प्रवक्ता के 200 पदों पर यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। और जो यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत ही जल्द जारी करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर एक सप्ताह के भीतर ही जो यहाँ पे कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर ही यहाँ पर जो विज्ञप्ति है ये भी जारी कर दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा हम जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त समूह ग के 151 और प्रवक्ता के 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो देखिए, यहाँ पे कहा भी गया है कि 151 समूह ग के और 200 पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक को एक सप्ताह के भीतर शासन को अध्याचन भेजने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर दिया गया और जल्दी जो इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने तैयारी पे कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि फॉर्म फिलअप होने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है एग्ज़ाम होने का, क्योंकि जो प्रवक्ता के जो पेपर होते हैं ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप इसके लिए तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे तभी आप इसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के समूह ग के पदों पर अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो होगा यहाँ पर किया जा रहा है भर्ती। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो इसके जो फॉर्म है, जो विज्ञप्ति है, वो जल्दी जारी की कर दी जाएंगी। तो जैसे जैसे खबर आते रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो खबर है वो सबसे पहले आपको मिल सके।